नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज एक खास दिवस है, आप सबको याद होगा, मातृ दिवस, मदर्स डे। ये भूलने वाला दिन कतई नहीं है, इसलिए आप सब ने अपनी माँ को विशेष विश तो किया होगा, उन्हें प्रणाम किया होगा। मैं भी पूरे सबरंग परिवार की ओर से आप सभी मातृशक्तियों को, सभी माताओं को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप हैं तो हम हैं इस जहाँ में, और माँ का स्थान तो सचमुच कोई भी नहीं ले सकता। जब से हमारी आँख खुलती है, आँख बंद होने तक माँ ही हमारे लिए संसार होती है। पिताजी से हम केवल यही पूछते हैं कि पिताजी माँ कहाँ है, लेकिन माँ से हम हर बात पूछते हैं कि मेरा जूता कहाँ है, मेरा चप्पल कहाँ है, मेरी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, आप मुझे ये बना के खिलाओ, आदि आदि इत्यादि। उनके बिना हम बिल्कुल अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते, और उन्होंने हमें जो दिया है, हम उस ऋण को चुका भी नहीं सकते। इसीलिए अपने हृदय का प्यार, सम्मान, सब कुछ, न केवल आज लेकिन आजीवन हम माँ को अर्पित करते चलें। तो माँ के लिए प्रेम श्रद्धा के भाव से भर कर आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। हर दिन आशा का नया संदेश है, हर सुबह उम्मीद की नई किरण है। हम ये ना सोचे कि हमारा आज का दिन कैसा होगा, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होंगी, क्या मेरे कार्य कैसे होंगे। ये सोचना मात्र ही जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है, और ऐसी निराशा कई दूसरी निराशाओं को जन्म देती है। हम अपनी आशा को नहीं छोड़े, अपनी उम्मीद को बिल्कुल भी कम ना होने दें, न केवल हम अपने जीवन के लिए आशा बनाए रखें, लेकिन दूसरे भी जो हमारे संबंध और संपर्क में आते हैं, उन्हें भी हम आशा दें, उम्मीद दें, नया भरोसा दें। यही तो जीवन जीने की कला है। आइए आज से हम अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन जब शुरुआत करें, तो अपने आप को और दूसरों को आशा का नया संदेश दें। नाजुक है पर वीरों को भी मात देती है, वो माँ ही है जो 9 महीने बच्चे को अपने जिस्म में पनाह देती है। कोई ऐसी वीरता दिखा सकता है, कोई ऐसा समर्पण, ऐसा प्यार दिखा सकता है, कतई नहीं। इसीलिए कहा जाता है माँ के प्यार की तो शुरुआत है लेकिन अंत बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए अथाह और अनंत होता है, वो हमेशा उसे स्वस्थ, सकुशल और सफल देखना चाहती है। लेकिन यदि कभी कोई ऐसी तकलीफ हो गई, तो माँ से ज़्यादा दर्द तो किसी को होता ही नहीं, इसीलिए हम अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। मित्रों, आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। कई बार कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बीमारियाँ सचमुच जागरूकता के लिए भी आवश्यक है, और साथ साथ कुछ अपने आसपास हम ऐसी व्यवस्था भी कर पाएँ जिससे कि ऐसे रोगग्रस्त बच्चों को मदद मिल सके, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर हमें क्या प्रकाश दे रहे हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा थैलेसीमिया का। आज हम सारे विश्व में थैलेसीमिया डे मना रहे हैं। भारत में लगभग 10 लाख लोगों को थैलेसीमिया, 10 लाख बच्चे स्पेशली उनको थैलेसीमिया हो जाता है। और ये थैलेसीमिया क्या, कौन सी बीमारी है? इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है,
जो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन लेके जाता है सारे शरीर में सप्लाई करता है। तो इसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा कमज़ोरी महसूस करता है, जल्दी थक जाता है और उसकी जैसे बोन की ग्रोथ है, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ कमज़ोर हो जाती है। तो दो तरह का थैलेसीमिया होता है दोस्तों, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में चार जीन्स होते हैं और कई बार किसी को एक जीन की म्यूटेशन होती है, उसमें पता नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होता है। दो जीन्स की म्यूटेशन, तीन जीन्स की म्यूटेशन या चार जीन्स की म्यूटेशन। चार जीन की म्यूटेशन होती है अधिकतर स्टिल बर्थ हो जाती है, माँ के पेट में भी बच्चा मर जाता है, और दो या तीन जीन की म्यूटेशन पे बच्चे को एनीमिया पता लगता है। और एक दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया में दो जीन्स की म्यूटेशन होती है, एक जीन के म्यूटेशन पे हमें माइल्ड डिजीज होती है जैसे ज़्यादा पता नहीं लगेगा, और किंतु दो जीन की म्यूटेशन होने पर हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। पहले दो साल में उसका पता लग जाता है और इसके लिए बार बार ट्रांसफ्यूशन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना पड़ता है, जिससे कि यूजली आयरन लोड बढ़ जाता है, हड्डियों में डिफेक्ट पड़ जाते हैं। और उसके लिए आजकल थैलेसीमिया क्लिनिक्स बने हुए हैं, थैलेसीमिया सेंटर्स बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को बार बार लगभग एक महीना या दो 15 दिन में ही दोबारा खून देने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, किंतु आज गवर्नमेंट ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमारे हॉस्पिटल में भी थैलेसीमिया क्लिनिक है, थैलेसीमिया सेंटर है, जहाँ पर हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको हर महीने हम खून चढ़ाते हैं, 15 दिन में भी कई बार खून चढ़ाना पड़ता है, और उससे उनकी हेल्थ अच्छी, ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आयरन ओवरलोड जो होता है उसके लिए हम दवाई देते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका बच्चा कमज़ोर लगता है, उसकी बोन में कुछ डिफेक्ट्स लगते हैं, जल्दी थक जाता है, आप तो ब्लड चेक कराएं तो उससे पता लग जाएगा कि उसको कौन सा थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया है या बीटा थैलेसीमिया है, अकॉर्डिंगली उसका फिर हम इलाज कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, एक उदाहरण आपने हमेशा सुना होगा कि कोई चांद में भी दाग देखता है और कोई कीचड़ में भी कमल देखता है। कीचड़ में रह कर के भी, बुराइयों के बीच रह कर के भी अपने आप को कमल के पुष्प के समान अलिप्त रखना, औरों को प्रेरित करना, ये सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगिनी दादी कमल सुंदरी जी, जिन्होंने अपने कमल पुष्प समान जीवन से सभी को प्रेरित किया। कभी ये शिकायत नहीं कि जैसे हम आमतौर पे करते हैं कि क्या करें, समाज ऐसा है, क्या करें, लोग ऐसे हैं, क्या करें, परिस्थितियां ऐसी हैं। नहीं, भले ही चारों तरफ कीचड़ है, गंदगी है, लेकिन हम आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा सुंदर आदर्श अपने जीवन के माध्यम से दादी जी ने प्रस्तुत किया, लाखों लोगों को अपने जीवन को ऐसा ही श्रेष्ठ बनाने के लिए भी प्रेरित किया। सबके लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए मातृतुल्य थीं, सभी को प्यार से पालना दिया करती थीं और सबके जीवन में आध्यात्म के रंग भरा करती थीं। आज उनका स्मृति दिवस है, आइए महकती यादों में उनकी सुंदर यादों से स्वयं को सुवासित करें। ओम शांति। अलौकिक आकाश में दैदीप विमान सितारे के रूप में थी दादी कमल सुंदरी जी। दादी कमल सुंदरी जी मेरठ में रहकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। आप यज्ञ की नामी ग्रामी संदेशी थी। शुरू में आपके द्वारा सतयुगी दुनिया के कई नए नए राज खुले, इसलिए सभी आपको देवता दादी के नाम से जानते थे। आपकी योगयुक्त स्थिति बहुत ही शक्तिशाली थी। बाबा के साथ बड़ी आप क्लियर लाइन वाली थी। रग रग में यज्ञ के प्रति अथाह प्रेम भरा था। इकोनॉमी का पक्का संस्कार था। अंत तक भी आप कर्मरत रही। आप पूर्ण नष्टो मोहा, समय की पाबंद, मर्यादाओं और धारणाओं में बड़ी दृढ़ थी।
अंतिम स्थिति तक एकदम उपरांत थी। आपने 8 मई 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़कर बाप दादा की गोद ली। मित्रों, आज उस गीत की पंक्तियां मातृ दिवस पर याद आ रही हैं। आपके जिहन में भी उभर रही होंगी कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। सचमुच माँ में ही भगवान हमें मिल जाते हैं, माँ में ही पूरा संसार हमें मिल जाता है। जैसे वो गुणों की खान है, सागर है, हमारे लिए एक मेंटर है, कोच है, गाइड है, हमारी सब कुछ है। आइए अपनी माँ के लिए हृदय में बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के भाव लिए ये सुंदर सा एक वीडियो देखते हैं। निस्वार्थ, जब हम माँ के बारे में बात करते हैं तो यह शब्द किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आता है। किसी ने सही कहा है, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा परिवर्तन तब होता है जब एक लड़की माँ बनती है। एक भोली लड़की से वह प्यार और पालना का स्वरूप बन जाती है। हर बेटे और बेटी के पास अपनी माँ के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें होंगी। उनका समर्पण, उनका निस्वार्थ प्रेम, उनके बलिदान और परिवार के लिए उनका योगदान। परमात्मा स्वयं माताओं के गुणों से प्रभावित हैं और इन गुणों को दुनिया की भलाई में लगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि कलयुग को नष्ट करने और सत्युग लाने का एकमात्र तरीका है मातृ चेतना को जगाना, और उस लक्ष्य की ओर उन्होंने माताओं के नेतृत्व में सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बनाया है। हमने बार बार इस संगठन की महिला नेताओं को छोटी छोटी बातों को छोड़कर आत्मशुद्धि के ऊंचे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते देखा है। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु, मातृ चेतना केवल महिलाओं का एक पहलू नहीं है। जब मुझे यह समझ में आ जाता है कि मैं पुरुष और स्त्री दोनों जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, तो मैं भी मातृ चेतना को प्रकट कर सकता हूँ जो सभी के अंदर है। मातृ चेतना एक ऐसा गुण है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। किसी को बिना शर्त स्वीकार करना, निस्वार्थ प्रेम करना, दूसरों को अपने से आगे रखना, लोगों की दुर्दशा पर दया करना, किसी को सही राह दिखाना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम मातृ चेतना का प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारी सभी माताओं के लिए यह विश्व माता बनने का समय और अवसर है। हम में से बाकी लोगों के लिए यह समय है कि हम माताओं को अपने से आगे रखें, मातृ चेतना को एक अत्यंत आवश्यक गुण के रूप में समझें और दुनिया की भलाई के लिए इसे जागृत करें। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, कोई साथ दे या ना दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। सारा संसार एक तरफ हो जाए लेकिन माँ का प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है, निस्वार्थ रहता है, वो हमेशा देती ही देती है। कहते हैं ना, मदर से यदि एम हटा दिया जाए तो सब अदर हो जाता है। बाकी सब अदर हैं लेकिन मदर तो मदर ही है। तो अपनी माँ के लिए यही हृदय में प्यार, सम्मान, श्रद्धा भाव हमेशा हमेशा रखते हुए दिल से उनका आशीष लेते चलें। उन्होंने हमें बचपन में उंगली पकड़ के चलाया है, जब उन्हें हमारी आवश्यकता है हम उनके साथ बैठें, उनकी देखरेख करें और हर प्रकार से अपने माँ का आशीष लेते रहें। तो एक बार पुनः आप सभी मातृशक्तियों को मदर्स डे की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं। ओम शांति, नमस्कार। जीवन के